बता देंगे एक बार आप, क्या नाम है सब आपका? मेरा यदवीर सिंह। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली सकरपुर। क्या काम करते हैं आप? बाजार लगाता हूँ जी। क्या हुआ है आपके साथ में बताएंगे? सगाई वही थी, लड़के का बाप मना करा था, लड़का राजी था, लड़का बार बार यही कहा था मैं शादी करूँगा, रोज तीसरे दिन आता था जी। लड़की को भगा के परसों का बुध वाले दिन शाम को लाया मंदिर के नाम से जी, और फिर कह रहे मंदिर से हम आ रहे हैं और दहेज का ही चक्कर है जी, करना ही ना चाहते थे जी। और वह का फिर सारी रात फ़ोन करा, नो मंदिर से आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, मंदिर से आए हैं नहीं। और अब सवेरे हमने सारी रात जग रहे हैं, अब सवेरे फ़ोन में लाया तो कह रहे हमने जहर खा लिया दोनों, हम तो सारे और लड़की से बात नहीं करवाई। तो आप यहाँ किसके माध्यम से पहुँचे, कैसे पता चला आपको गाजियाबाद में है? लड़की के फ़ोन से फ़ोन करा, जब फ़ोन उठाया जब तक पहुँचे। अपना फ़ोन बंद करके आया, लड़की का फ़ोन लग गया, लड़की के फ़ोन से बड़ी मुश्किल से सोच हुआ जब बात करी। बेटी का रिश्ता कब तक किया था आपने? 5 अप्रैल हो गए, 5-6 महीना हो गए जी। तो लड़की के पिता तैयार नहीं थे शादी के लिए? पहले तैयार थे, बाद में तैयार नहीं हुए, बाद में पता नहीं क्या करा था। लड़का क्या करता है जिससे रिश्ता तय किया आपने? वो एसी फ्रिज का काम करता है। मंदिर से आया कल दोपहर को, बात करवाई 1 बजे में लड़की से, बस उसके बाद में बात नहीं करवाई है। सवेरे बोला मैंने जहर खा लिया, सब ने मैं लड़की से इनने बात नहीं करवाई, मैंने बोली मैं लड़की से बात करवा, तो इनने बोला मैं पुरानी दिल्ली हूँ, मैं बात नहीं करवा पाया हूँ। मैं क्या नाम है आपका? राजवती नाम है जी मेरा। मेरे से ये दहेज मांग रहे हैं, मैं पटरी लगाती हूँ मैं 20 साल। आप लड़की कौन है आप? मैं अपनी मम्मी हूँ, मैं उसकी बेटी की। मेरी लड़की को जाता था तीसरे दिन लेके आता था, दहेज के मारे में लड़के जहर दे के मार दी इन्होंने, घर से लेके गया, इसके माँ बापों की हुई, बाप की सरकारी नौकरी थी, मैं बाजार लगाऊ, मैं बाजार लगाती हूँ, माँ बेटा हम बाजार।